ऊपर जबरदस्ती थोपे गए तीन नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफी लंबे समय से अर्थात लगभग एक वर्ष से सर्दी गर्मी व बरसात आदि की मात झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की इनकी एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करें। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। किसानों को लेकर उनकी खेती किसानों को लेकर तो कोई भी कानून बनाते कोई नया कानून लाते हैं तो केंद्र और राज्यों की सरकारों को चाहिए कि किसानों से वो विचार विमर्श जरूर करें, ताकि किसी भी गैर जरूरी विवाद से देश को व राज्यों को भी बचाया जा सके। एक बार फिर से देश के किसानों को उनके संघर्ष के जरिए इस जीत को हासिल करने के लिए उन्हें मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन आज मैं खास तौर से केंद्र की सरकार से ये भी कहना चाहूंगी कि किसानों के इस आंदोलन के दौरान तो जो किसान शहीद हो गए हैं, तो केंद्र की सरकार ने ये तीन जो कृषि कानून है किसानों के उनको वापस तो ले लिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार से ये भी पुरजोर मांग है कि इस आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गए हैं तो केंद्र की सरकार जीवन बहुत कुछ किया और सबका फर्ज है।